कोरोना से पूरी दुनिया में कितनी मौतें हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक आंकड़ा जारी किया है, इसके अनुसार पिछले 2 सालों में 1,50,00,000 लोगों ने कोरोना या कोरोना की वजह से स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़ने वाले असर की वजह से जान गंवाई है। हालांकि WHO ने भारत को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं, सरकार ने उस पर आपत्ति जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमने अभी तक 2021 के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, फिर मौत के आंकड़े कैसे जारी हो सकते हैं। WHO के अनुसार भारत में 47,00,000 मौतें हुई है। WHO के तहत वैज्ञानिकों को जनवरी 2020 और पिछले साल के अंत तक मौत की वास्तविक संख्या का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1.33 करोड़ से लेकर 1.67 करोड़ लोगों की मौत या तो कोरोना वायरस या स्वास्थ्य सेवा पर पड़े इसके प्रभाव के कारण हुई, जैसे कि कोविड मरीजों से अस्पताल के भरे होने के कारण कैंसर के मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया। यह आंकड़ा देशों की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और सांख्यिकी मॉडलिंग पर आधारित है। WHO ने कोविड-19 से सीधे तौर पर मौत का विवरण नहीं मुहैया कराया है। येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में संक्रामक रोग विशेषज्ञ अल्बर्ट कू ने कहा कि किसी संख्या के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचना जटिल काम है, लेकिन WHO के ये आंकड़े यह समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भविष्य की महामारी का मुकाबला कैसे करना चाहिए और किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए। भारत में मौतों का आंकड़ा 47,00,000 बताया गया है। यह संख्या आधिकारिक आंकड़ों से करीब 10 गुना अधिक है। भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर कड़ी आपत्ति जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि संस्था ने भारत की चिंताओं को बिना समझे ही अतिरिक्त मृत्यु दर अनुमान जारी कर दिया। जिन मॉडल की वैधता ही सवालों के घेरे में है, उस पर आधारित आंकड़े भी सही नहीं होंगे। भारत ने कहा कि संस्था ने कहां से ये आंकड़े एकत्रित किए हैं, किन एजेंसियों ने आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं, इसमें पारदर्शिता जरूरी है। उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, इस पर भी उचित जानकारी नहीं मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बार बार पूछे जाने पर WHO ने 17 राज्यों के नाम बताए, लेकिन यह जानकारी नहीं दी है कि ये आंकड़े कब से कब तक के हैं। WHO ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार से ये आंकड़े संग्रहित करने का दावा किया है। भारत सरकार ने कहा कि हमने तो 2021 का आंकड़ा जारी ही नहीं किया है, हमारा पूरा आंकड़ा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से आता है। भारत ने इस पर भी आपत्ति जताई है कि हमें Tier 2 में रखा गया है, जबकि कई छोटे देशों को WHO ने Tier 1 में रखा है। वहाँ पर तो आंकड़ा इकट्ठा करने का तरीका भी सही नहीं था। भारत जैसे देशों ने कोविड-19 से हुई मौतों के आकलन की पद्धति को लेकर सवाल उठाए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में भारत सरकार ने नए आंकड़े जारी किए, जिससे पता चला कि पिछले साल की तुलना में 2020 में 4,74,806 अधिक मौतें हुई। भारत ने 2021 के लिए मौत का अनुमान जारी नहीं किया। ब्रिटेन के एक्सेटर विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर भरत पंखानिया ने कहा कि खासकर गरीब देशों में कोविड-19 से हुई मौतों के बारे में सटीक संख्या का पता कभी नहीं चल सकेगा। उन्होंने कहा कि दीर्घावधि में कोविड-19 से अधिक नुकसान हो सकता है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।